बढ़ती महंगाई के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदौर के रिगल तिराहे पर महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका का जिक्र भी किया और देश के हालात को श्रीलंका से जोड़कर बताया। बढ़ती महंगाई के विरोध में आपके कार्यकर्ताओं ने इंदौर के रिगल तिराहे पर हाथों में गैस की टंकी के पोस्टर और महंगाई डायन जैसे स्लोगन वाले बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आपके कार्यकर्ताओं में जोश है और वो मध्य प्रदेश में भी अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन जनता के मुद्दे जैसे पानी बिजली के मुद्दों को उठाकर जनता में अपनी पेट जमाना चाहते हैं। देखिए सर, दिन प्रतिदिन जो इस देश की जनता है, इस नगर की जनता है, उसके ऊपर जो महंगाई रूपी राक्षस का जो हमला हो रहा है, जो डायन कहलाती थी महंगाई, आज वो महंगाई ने एक सामान्य व्यक्ति की जीवन को त्रस्त कर दिया है। हर जगह पेट्रोल डीजल आने से की महंगाई होने से छोटी छोटी चीज़ों की भी महंगाई बढ़ गई है। बच्चों की चॉकलेट तक महंगी हो गई है, घर का किचन का राशन महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, और तो और आटे का जो दाम है वो भी काफ़ी महंगाई हो गई है। जो कहते थे व्यक्ति की दाल रोटी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे, आज वो सपना हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। इस और हमारा सरकार के से अनुरोध है कि आप ध्यान दें और जनता को राहत दें। इस प्रकार दिल्ली में कुछ सेक्टरों में राहत दे करके जनता को इस महंगाई से राहत दी है, बिजली के मामले में हो, जहां राहत मिली है, पानी के मामले में हो, यातायात में बसों के माध्यम से हो, जो सुविधाएं जनता को दे करके महंगाई से थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। हमारी माननीय शिवराज महोदय से भी, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस प्रदेश की जनता को भी किसी न किसी रूप में राहत दें, वेट को कम करें डीजल में, गैस की जो दाम बढ़ रहे हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे वो जरा सी महंगाई बढ़ती थी तो हाय हाय करने लगते थे, क्या वो हाय हाय इनको अब नहीं दिख रही है? तो इस और ध्यान दें और जनता को राहत दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के एकत्रित होने का मुख्य कारण है सुरसा की तरह बढ़ती हुई महंगाई, और इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है, हैरान है, और इसी बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रसोई गैस, तेल और पेट्रोलियम, इन सब के जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, ये शिवराज सिंह सरकार की फेल्यूर है, केंद्र सरकार की फेल्यूर है, और इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस समय सांप्रदायिकता का जो खेल खेला जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम बढ़ती हुई महंगाई की निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं, और मुख्यमंत्री से, देश के प्रधान सेवक से निवेदन नहीं करते हैं। हम उनसे बिल्कुल संघर्ष करने की गुजारिश करते हैं कि आपको इस महंगाई को रोकना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता सड़कों पर आ चुकी होगी। श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। बिल्कुल साहब, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। श्रीलंका बिल्कुल इस समय बैंकरप्ट होने की कंडीशन में आ चुका है, तबाह होने की स्थिति में आ गया है, और वही स्थिति कमोवश हिंदुस्तान में भी निर्मित हो चुकी है।